गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज योर इंग्लिश पीरियड. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. अभी आपको सबको इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकालना है. निकाला सबने? यस. सो इन द प्रीवियस इंग्लिश पीरियड वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 8 हमने कंप्लीट किया था, है ना? यस. वो जो फर्स्ट लेसन है हमारा द लिटिल डकलिंग, वी आर सीइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन द लिटिल डकलिंग लेसन नंबर 1. ये जो लेसन है उसके एक्सरसाइज हम देख रहे हैं. वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1. इन दैट वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 8 हमने कंप्लीट किया है ना. और उसके जो न्यू वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं मैम विल सेंड यू टुडे. हाँ मैम आपको सेंड करने वाले हैं. ओके सो नाउ पेज नंबर 9. अभी आप सबको पेज नंबर 9 निकालना है. अभी हम पेज नंबर 9 देखते हैं. पेज नंबर 9. ओके पेज नंबर 9. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट ABCD. दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस पीरियड. Today we are going to see page number 9 and E exercise. What is asked there? First I read page number 9 English textbook. English ka textbook mein aapko page number 9 nikalna hai. So E exercise. Fill in the correct letters to complete these words from the lesson. Dekho wahan pe words diye hai. और लेसन में से ही दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन ओनली. लेसन में से ही वो वर्ड्स है. सो आपको क्या करना है उसके जो स्पेलिंग्स है वो प्रॉपरली फिलअप करना है. ओके प्रॉपरली आपको वहाँ पे जो लेटर्स इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है. हाँ एंड यू हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड बाय फिलिंग द करेक्ट लेटर. सो फर्स्ट इज गिवन देयर. आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड. So, E exercise, page number 9, first, B, so देखो, B dash A and C H. अभी हमें spelling complete करना है branch ये word की. कौन से word की spelling हमें complete करना है? Branch. So, which letter will come here? कौन सा letter आएगा यहाँ पे? Branch. देखो, branch ये word हमारा lesson में आया है. So, B, R, A, N, C, H. It is branch. Okay? So, R letter you have to write there. Then second. अभी second word क्या दिया है? S, C. See here. S, C, dash, A, T, C, H. Now, we have to complete the spelling of scratch. अभी हमने देखा था ना? हेन वॉज स्क्रैचिंग फॉर द वॉर्म्स इन द फार्म. हेन क्या कर रही थी? स्क्रैचिंग कर रही थी कि नहीं? फिर वो वर्ड है वो स्क्रैच. तो अभी स्क्रैच का स्पेलिंग हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है. वी हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ स्क्रैच. सो विच लेटर विल कम हियर? आर. हियर ऑल्सो आर कम. स्क्रैच. एस सी आर ए टी सी एच. स्क्रैच. देखो आपको ऐसे वर्ड जो है रीड करना है. ओके देन थर्ड एस डैश ओ आर टी सी. विच लेटर विल कम हियर नाउ? कौन सा लेटर आएगा अभी यहाँ पे? देखो एस डैश ओ आर टी. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द वर्ड शॉर्ट. शॉर्ट ये वर्ड हमें कंप्लीट करना है. सो विच लेटर वी हैव टू राइट हियर? अभी यहाँ पे हमें कौन सा लेटर राइट करना है? H, S, H, O, R, T, short. समझ में आ रहा है ना सबके? Yes. Now fourth, S, dash, A, R, P. अभी हमें कंप्लीट करना है sharp का स्पेलिंग. We have to complete the spelling of sharp. Which spelling we have to complete? Sharp. So S, dash, A, R, P. So, which letter come here?
H, sharp, sharp. आपको राइट करना है आपके टेक्स्ट बुक में. देखो फर्स्ट वर्ड ब्रांच, branch, ब्रांच. सेकंड वर्ड scratch, स्क्रैच. थर्ड वर्ड short, शॉर्ट. एंड फोर्थ वर्ड sharp, शार्प. ओके, नाउ फिफ्थ वर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर. Fifth word, CL dash. देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. CL dash WS. अभी हमें we have to complete the word claws. हमने देखा है ना, the hen has sharp claws. हेन के कैसे फिट थे, sharp claws थे ना हेन के. Yes. So that word it is claws. So, which letter comes here now? Which letter comes here? A. So, spelling of claws is C-L-A-W-S, claws. C-L-A-W-S, claws. Did you understand? Yes. Claws की spelling. और देखो, आप देख रहे होंगे, सब जो words है, these all words are from the lesson only. सारे वर्ड्स कहां से हैं? लेसन से है. देन एफ डैश आर एम. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फार्म. अभी हमें फार्म का स्पेलिंग कंप्लीट करना है. सो टेल मी विच लेटर कम्स हियर. फार्म हमने देखा है ना, वेयर वॉज द हेन. द हेन वॉज इन द फार्म. हेन कहां पे थी? फार्म में थी कि नहीं? यस. सो एफ ए आर एम, फार्म. ओके, सो सी एल ए डब्ल्यू एस, क्लॉज. एफ ए आर एम, फार्म. ओके, यस. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ ई एक्सरसाइज. सबने राइट किया आपके टेक्स्ट बुक में? यस. सो नाउ नेक्स्ट What is asked there? It is punctuation. क्या पूछा है अभी वहां पे? Punctuation. अभी what is mean by punctuation? वो हम देखेंगे. पंक्चुएशन. अभी पंक्चुएशन क्या होता है? जब भी हम सेंटेंस राइट करते हैं ऐसे टाइम पे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल. फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल राइट करना है. देन एंड्स द सेंटेंस विथ फुल स्टॉप. एंड्स में हमें फुल स्टॉप देना है. अगर वहाँ पे कुछ कॉमा वगैरह है तो वो प्रॉपरली देना है. सो ऐसा एक पंक्चुएशन जिसमें हमें कुछ राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने रहते हैं. ओके, सो अभी रीराइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक्स. बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. अभी आपको क्या करना है, वहां पे जो सेंटेंस दिए हैं वो फिर से राइट करने हैं आपके नोटबुक में. और कैसे राइट करने हैं? बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड करना है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. अलिया, अलिया इज अ लिटिल गर्ल. अलिया इज अ लिटिल गर्ल. अभी देखो, अलिया इज अ लिटिल गर्ल. अभी देखो, अभी ये सेंटेंस देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाता है. यहाँ पे अलिया, इट इज अ नेम ऑफ गर्ल, एक गर्ल का नाम है. और जो नाउन होता है
जब हम नाउन राइट करते हैं कुछ भी, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का, किसी सिटी का, जब हम जो नाउन होता है वो राइट करते हैं, एट दैट टाइम फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी इन अ कैपिटल. अभी देखो अलिया एक गर्ल का नाम है. सो अभी ये ए जो है देखो वहां पे स्मॉल दिया हुआ है. सो अभी आपको क्या करना है, अभी ये सेंटेंस को हमें पंक्चुएशन करना है. सो कैसे करेंगे पंक्चुएट, देखो अलिया तो ए कैसे करेंगे, ए कैपिटल राइट करेंगे, अलिया है ना, इज अ लिटिल गर्ल. और देखो टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया उसमें एंड्स में फुल स्टॉप नहीं है, बट हियर वी हैव टू गिव फुल स्टॉप. देखो है ना, समझ में आ रहा है सबके? यस. देखो ए हमने कैपिटल राइट किया है एंड एंड्स में हमने फुल स्टॉप दिया है. ओके सो सेकंड सेंटेंस, अनदर एग्जांपल, शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. अभी देखो शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. देखो आपके टेक्स्ट बुक में फोर सेंटेंस दिए है, उसमें से हमने वन लिया है, देन सेकंड वी आर गोइंग टू सी. अभी देखो शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, फिर से देखो ये जो एस है इट इज गिवन इन स्मॉल लेटर्स. देखो टेक्स्ट बुक में स्मॉल लेटर में दिया है और एंड्स में फुल स्टॉप नहीं है. सो हमें क्या करना है अभी, हाउ वी हैव टू राइट दिस सेंटेंस. देखो एस जो है कैपिटल लेटर, शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन एंड एंड्स द सेंटेंस विद फुल स्टॉप. सी हियर, देखो एस वी हैव रिटन हियर कैपिटल. देखो सेंटेंस में आपको एस जो है स्मॉल में दिया है, हमें कैसे राइट करना है अभी, कैसे पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, हाउ वी हैव टू राइट, एस जो है बिगिन द सेंटेंस विद कैपिटल लेटर्स, तो एस कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स द सेंटेंस विद फुल स्टॉप. देखो मैम ने अभी टू एग्जांपल्स आई हैव सॉल्व हियर. अभी आपको क्या करना है, थ्री एंड फोर जो है यू हैव टू राइट योर सेल्फ. आपको ट्राई करना है बेटा, कोशिश करना है. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आपको पूछना है. अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो मैम से पूछना है, कैसे पूछूं वगैरह ऐसा नहीं लाना है मन में, आपको डायरेक्टली पूछना है. जहां पे भी आपको दिक्कत जाती है मैम से पूछना है. ओके सो थ्री और फोर आपको कोशिश करना है, इट इज होमवर्क फॉर यू. देन ग्रामर फन, अभी वहां पे ग्रामर फन दिया है, ये हमने देखा है ऑलरेडी. व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस, व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, हमने देखा है ना इन द फर्स्ट पीरियड वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स वाक्य. अब ये सेंटेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट आई रीड देन आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड. यू ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. आपको भी जो मैम कुछ पॉइंट राइट करते हैं बोर्ड पे, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. आप नोटबुक में वो राइट करना है बेटा. ओके और उसको बार बार उसको रीड भी करना है सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं. यस. और ये जो ग्रामर रहते हैं ना नेक्स्ट क्लासेस में भी है. अभी आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्लोली स्लोली जब आप उसको रीड करोगे प्रैक्टिस करोगे एकदम से समझ में आ जाता है क्या बहुत सारा, नहीं, स्लोली स्लोली हमें समझ अंडरस्टैंड होता है ना. जैसे हम उसको बार बार रीड करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो स्लोली स्लोली हमें आ जाता है ना. यस. सो व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस, अभी सेंटेंस की जो डेफिनेशन है मैम बोर्ड पे राइट करते हैं, आपको आपके नोटबुक में राइट करना है. पेज नंबर 9, हाँ पेज नंबर 9, ग्रामर फन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
a group of words that makes a complete sense is called a sentence. देखो अभी सेंटेंस किसे कहते हैं. सेंटेंस मीन्स वाक्य. अभी देखो मैम रीड करते हैं. यू हैव टू रीड विथ मैम. आपको भी मैम के साथ रीड करना है. एंड कीप योर फिंगर इन योर टेक्स्ट बुक ऑन ईच वर्ड. हर एक शब्दों पे आपको फिंगर रखना है. वर्ड पे फिंगर रखना है. हाँ, और मैम के साथ रीड करना है. देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स That makes a complete sense is called a sentence. Sentence किसे कहते हैं? वाक्य. क्या होता है sentence में? Group of words, शब्दों का समूह. But वो क्या बनाता है? A complete sense. मतलब वो read करने के बाद हमें कुछ understand होता है. So इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. समझ में आ गया? Repeat, I'm reading. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का समूह. But it makes a complete sense. जो read करके हमें कुछ understand होता है, उसका meaning समझ में आता है. So ऐसे words को हम क्या कहते हैं? ऐसे group of words को हम क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. वाक्य कहते हैं. So इसके ऊपर जो एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक में, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पीरियड. सो ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.